आगरा के अखिल भारत हिंदू महासभा ने शाहगंज स्थित जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें युवा प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश भदौरिया ने कहा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज के निर्देशन पर पूरे उत्तर प्रदेश में मेयर समेत सभी वार्डों पर चुनाव लड़ेगी तथा वीर सावरकर के पद चिन्हों पर चलकर एवं हिंदुओं का साथ एवं हिंदुओं का विकास तथा हिंदुओं का विश्वास के साथ मैदान पर उतरे। आगरा जिला प्रभारी सौरभ शर्मा ने कहा कि आगरा महानगर के अंदर मेयर समेत सभी वार्डों पर हिंदू महासभा पूरे दम के साथ उतरेगी तथा मुगल आक्रांता द्वारा कॉलोनी बस्ती एवं चौराहे के नाम जैसे नाई की मंडी मंडोला डोली खार इसमें मुगल आक्रांता की बू आती है, ऐसे सभी जगहों का नाम बदलकर हिंदू महापुरुषों के नाम पर रखा जाएगा। देखिए सबसे पहले बताऊं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से पहले संगठन अगर कोई बना वो हिंदू महासभा बना, और बीजेपी का जो एजेंडा था, बीजेपी का एजेंडा था सबका साथ सबका विकास, है ना। लेकिन हम लोगों के साथ एक परेशानी है कि हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध हिंदूवादी संगठन है, हम लोग केवल हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास, और गाय माता को राष्ट्रीय पशु के रूप में हम उनकी मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में गाय माता कहीं नजर नहीं थी, है ना, लेकिन हम लोगों के एजेंडे में प्रमुखता से गाय माता भी है और हिंदुओं का साथ हिंदुओं का विकास। क्योंकि तो अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर हमारी जो मांग चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की भारत को, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे सभी पार्षद जीतना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मेयर जीतेंगे हम लोगों के, हिंदू महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में उतारेगा, तो निश्चित तौर पर हमारी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रबल दावेदारी है वह बिल्कुल सही तरीके से साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, हिंदू महासभा केवल हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास, इसी एजेंडे पर काम करेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।